अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल की फ़र्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मैं हूँ कमल गौरी। अपने इस चैनल पर मैं अपने डेली रूटीन के व्लॉग्स शेयर करूँगी, जिसमें कुकिंग की वीडियोज़ होंगी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, ब्यूटी टिप्स और फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी और बहुत कुछ। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज हम लोगों का बारबेक्यू का प्रोग्राम था। चिकन को मैंने एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। इस पर मैंने सिर्फ तीन चीज़ें ऐड की, चिकन टिक्का मसाला, लेमन जूस और फूड कलर। बस ये तीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर मैंने ऐड की। पहले चिकन को अच्छे से कट लगा लेना है फोर्क से और इसमें इसको मैरिनेट करके एक दिन पहले से फ्रिज में रख देना है। शाम में मौसम बहुत अच्छा हो गया तो बच्चों ने फरमाइश की कि बारबेक्यू करते हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, टिकटॉक पर काम करते हैं और बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, आप लोग इनको जानते होंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत लग रही है। वाओ, ये ऑलमोस्ट रेडी है और बहुत मज़े के लग रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक गार्डनिंग का चैनल भी है, आप लोग मेरा दूसरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि मोनेटाइज चैनल है और बहुत अच्छा जा रहा है। उस पर मेरा सारा कंटेंट इंग्लिश में है और वहाँ की सारी ऑडियंस जो है वो फॉरेन कंट्रीज से है। ये चैनल जो है वो मैंने अपने पाकिस्तानी और इंडियन व्यूअर्स के लिए बनाया है। बहुत अच्छा कलर लग रहा है बारबेक्यू का और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दो जो हैं वो हम लोगों ने लेग पीस बनाए थे, इसमें अच्छे से कट लगाया मैंने ताकि इसका जो मसाला है वो अंदर तक जज्ब हो जाए और ये भी बहुत मज़े का बना है। इसको हमने दो सीखों में लगा के तो फिर बनाया है। ये देखें ज़रा, ये कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। ये मेरा बेटा है, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। हैंड ही लाएं बेटे। जब ये थोड़ा ज़रा पक जाए तो हम इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगाते हैं ब्रश से। इसको थोड़ा ब्रश से ऑयल लगाएंगे, इस तरह से ये इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। हम लोगों के बारबेक्यू बहुत अच्छे से बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, अक्सर बनाते रहते हैं और फैमिली में सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं जब भी हम लोग बनाते हैं। खाना लगा दिया है मैंने और सब लोग अब खाना खाएंगे और मैं वीडियो बना रही हूँ। वाओ, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। साथ में जो है मैंने रायता बनाया, कोल्ड ड्रिंक रखी और रोटियाँ जो हैं वो हमने तंदूर से मंगवा ली थी पहले ही। ये मेरी दो बेटियां हैं, फातिमा और रुकैया। आप सब लोग खाना खाएंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।